और दोस्तों, क्या हाल है? दिस इज शरुण हेयर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको K5 नोट नहीं लेना चाहिए या K4 नोट लेना चाहिए। K5 नोट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हम लॉन्च इवेंट पे थे। हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं हैंड्स ऑन की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों K5 नहीं लेना चाहिए और K4 लेना चाहिए, क्यों K4 बेटर डील है। तो हम शुरुआत करेंगे K3 नोट के साथ। तो अब K3 नोट में हम देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस। अब हम K4 नोट की स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, काफ़ी हद तक सेम स्पेसिफिकेशंस थी। और K5 नोट की अब देख सकते हैं, काफ़ी हद तक सेम स्पेसिफिकेशंस है। हीलियो P10 डाल दिया गया है, मेटल बॉडी डाल दी गई है, 4 GB रैम की ऑप्शन है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, और काफ़ी हद तक सेम चीज़ सिर्फ एक मेजर चेंज के हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। सो कंपनी ने हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट डाल दिए K5 में, K4 और K3 से निकाल के। आप जैसे कि देख सकते हैं कि K4 में एक NFC स्लॉट था और K5 में NFC नहीं है, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि NFC थोड़ा सा फेमस होने लगा है। कंपनीज जिन्होंने NFC पिछले साल मोबाइल में नहीं डाला था, जैसे कि OnePlus 2, उसमें भी उन्होंने NFC डाला है। तो NFC एक ऐसी चीज़ है जिसके जो वो पहले से यूज़ कर रहे थे, और कोई सेंस नहीं बनता नए नए वाले मॉडल में से निकालने का। तो NFC पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज़ हम बात करें तो उस फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, हम जैसे कि देख सकते हैं कि K4 नोट में फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं और K5 नोट में सिर्फ एक बैक फायरिंग स्पीकर है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फ्रंट फायरिंग ड्यूल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, और वो भी स्टीरियो सराउंड साउंड डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स के साथ, बहुत बढ़िया आवाज़ देते हैं। बट K5 के आपके कभी भी उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस क्वालिटी तक K4 नोट एक्चुअली डिलीवर अभी भी करते हैं। तीसरी चीज़ और काफ़ी बड़ी चीज़ है, वो ये है कि हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, K4 में 3 स्लॉट्स थे टोटल, एक सिम कार्ड 1, दूसरा सिम कार्ड 2, और तीसरा एक मेमोरी कार्ड का। कोई चूज़ नहीं करना पड़ेगा कि आपको दूसरा सिम कार्ड चाहिए या दूसरा मेमोरी कार्ड चाहिए। बट हम K5 में देख सकते हैं कि सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं और दूसरा हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, जिस या तो आप सिम कार्ड डालेंगे या फिर आप मेमोरी कार्ड डालेंगे। तो ये एक बहुत काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक। सबसे बड़ा डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू में, दोनों फ़ोन्स का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का सेम क्वालिटी का डिस्प्ले है और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों की प्राइसिंग के बीच में भी काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। अब मैंने इस फोटो स्क्रीनशॉट डाला है, दोनों फ़ोन जहाँ जहाँ बिक रहे हैं, अमेज़ॉन पे बिक रहा है K4 नोट, जैसे कि आप देख सकते हैं 10,999 का है ब्लैक और वाइट, और 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको वुडन एडिशन मिल जाएगा। सामने से फुल ब्लैक होगा और पीछे से वुडन होगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, आप उसको ज़रूर देखिएगा। 11,500 का ये 500 रुपये में बहुत बढ़िया है, क्योंकि OnePlus सिमिलर चीज़ के लिए 1,000 से 2,000 रुपये ले लेता है, और लेनोवो 500 रुपये में ही कर रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम देख सकते हैं नीचे, तो K5 का 3 GB वाला 12,000 का होगा और 4 GB वाला 13,000 का होगा। 4 GB वाला तो आप थोड़ा सा भूल ही जाइए कि इतने पैसे क्यों खर्चने फ़ोन पे। 12,000 वाले में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर मैं वुडन एडिशन ले लूँगा। और अगर हम बात करें कि टोटल ओवरऑल डिफरेंसेस की, अभी मैंने ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रखने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से आइडिया मिल जाए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि हम ये समराइज़ कर सकते हैं कि K4 नोट में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। NFC है, फ्रंट स्पीकर्स हैं, 3 स्लॉट हैं, सस्ता है, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, सस्ता है फ़ोन। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि वुडन एडिशन। और अगर हम एडवांटेजेस बात करें K5 नोट की, तो बेटर CPU, सो हीलियो P10 MT6753 से तो बेटर है, बट दोनों ही प्रोसेसर गेम नहीं खेलने के लायक। 4 GB रैम के ऑप्शन, बट उसके लिए आपको 13,500 रुपये खर्चने पड़ेंगे, जो मेरे को मंजूर नहीं है एक्चुअली। अगर आप 13,500 खर्चना चाहेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छी बेटर ऑप्शन है, जैसे ZUK Z1, और भी अदर ऑप्शंस हैं जो बेटर है। स्टोरेज एक 32 GB के ऑप्शन है, एक ऐसी स्टोरेज ऑप्शन है जो जो 16 GB है K4 नोट में, बट K4 नोट में आपके पास एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन ज़रूर है, जो मेमोरी कार्ड के ऑप्शन या फिर सिम कार्ड के ऑप्शन है K5 नोट में। और बैटरी बड़ी है K5 नोट में, 200 mAh बड़ी है, सो K5 की 3,500 mAh बैटरी है। मेटल बॉडी है,
ये कोई खास एडवांटेज नहीं है। ठीक है मेटल बॉडी है बट हमने तो कवर लगाना ही है फ़ोन पे, मेटल बॉडी का क्या इतना फ़र्क पड़ेगा। इसके चक्कर में आप बैक नहीं रिप्लेस कर सकते तो आपके मेटल ही रहेगा, और मेटल में भी ऊपर नीचे प्लास्टिक है, कौन सा पूरा मेटल होता है, तो मेरे को इतना बड़ा कोई एडवांटेज लगता नहीं है ये। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि आपको कि KFO नोट एक्चुअली अभी एक बहुत बढ़िया डील पे मिल रहा है, 11,000 का आपको नॉर्मल एडिशन, काले रंग या सफ़ेद रंग जो आपको पसंद आए। मेरे को तो काला पसंद ही आया था, मैंने ख़रीदा भी था, वीडियो भी बहुत बनाई है, आप रिव्यू भी उसका देख सकते हैं। और कैमरे में भी दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, स्क्रीन भी ऑलमोस्ट सेम है। मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि KFO नोट 11,000 में और 11,500 वुडन एडिशन वाला बहुत बेटर डील है K5 नोट से। 11,000 का फ़ोन है, अगर आपको VR के साथ लेना है तो आप एंड VR उसके साथ भी कंपेटेबल है, 360 सब कुछ चलता है, तो आप K4 लीजिए। K5 को आप स्किप कर सकते हैं, हीलियो P10 इतना स्टेबल नहीं है, गेम दोनों प्रोसेसर नहीं खेलेंगे। अगर वीडियो वॉचिंग और ब्राउजिंग के लिए लेना है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए लेना है तो K4 नोट से बढ़िया फ़ोन कोई नहीं है। सो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। हमने K5 नोट हैंड्स ऑन वीडियो डाली है, वो ज़रूर देखिएगा। K4 नोट को दूसरे फ़ोन से कंपेयर किया है, वो भी वीडियो काफ़ी अप्रिशिएट हुई है लोगों के थ्रू, तो आप उसको भी देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमें बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ऐसे होगा कि आप कोई वीडियो हमारी मिस ना करेंगे, और हमारा फ़ायदा होगा कि चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और हर सब्सक्राइबर काउंट करता है, हर व्यू काउंट करता है, तो प्लीज़ मदद करिएगा। और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर देखना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है या कुछ है ऐसा चीज़ जो आप देखना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कमेंट करिए वीडियो पे और मैं इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू करूँगा। धन्यवाद, मैं आपको अगली वीडियो पे अपने ज़रूर मिलना चाहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।